भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के एक निजी कार्यक्रम में गोरखपुर पहुंचे सांसद मनोज तिवारी ने मेडिकल कॉलेज रोड पर स्थित रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अयोध्या में मंदिर के निर्माण को रोकने वालों को अब मंदिर बनने से परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि बाबा गोरखनाथ की कृपा से गोरखपुर अब बदल गया है, युवाओं के लिए रोजगार के अब नए अवसर भी यहां प्राप्त होंगे। जब जवानी अपन इलेक्शन दिखावेला भैया काहे कि हमनी के मनोज भैया के देख के ही का के ही आज गलत पनर बाड़ी जा 2 रुपया कमा तनी तो मनोज भैया के दिल बात हो गया। अरे मैं इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए सांसद मनोज तिवारी ने कहा, आज गोरखपुर बड़े शुभ कार्य से आया हूं। हमारे दो बच्चों ने राधा मोहन दास अग्रवाल डॉक्टर साहब की बिटिया अदिति और एक उसकी सहेली ज्योति पवार, ये दोनों मिलकर के बॉटम सब रेस्टोरेंट शुरू कर रहे हैं और इसको मैं बहुत विशेष देखता हूं। जिसके घर में पॉलिटिकली इतने रिनाउंड और बड़े पोस्ट पे लोग हो, वो बच्चे अपना बिजनेस करें और अपनी एंटरप्रेन्योरशिप में नई उद्यमिता में एक रेस्टोरेंट से शुरू हो, तो मैं उसको एक जो नरेंद्र मोदी जी सबको कह रहे हैं कि आप जॉब मांगने की जगह जॉब गिवर बनो, तो उसका भी एक मैं यहाँ देख रहा हूँ। और ऑल गुड विशेस अदिति को और ज्योति को, बहुत अच्छा करें। और बढ़ते हुए शहर के साथ अच्छे रेस्टोरेंट का होना बहुत आवश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये रेस्टोरेंट इनका रूप टॉप पे हम लोग खड़े हैं, 3 फ्लोर का रेस्टोरेंट है, तो ये गोरखपुर का एक व्यंजन के हिसाब से एक बढ़िया स्टॉपेज बनेगा। और हमें पूरा विश्वास कि ये लोग जो हमारा देश इस समय मिलेट ईयर मना रहा है, मोटा अनाज मतलब पौष्टिक अनाज, उसका भी ये रेस्टोरेंट ध्यान रखेगा, इसका मैं शुभकामना देने आया हूँ। राधा मोहन दास जी के इन इन्विटेशन पे पहली बार गोरखपुर आई बानी है, तो मेयर साहब भी जिया बानी और कमलेश बाबू, विजय दुबे जी, भानु जी, सब बड़ा अच्छा लगा। देखिए, हम सब इतिहास में दर्ज हो गए, आने वाला समय कहेगा कि जब 2024 के जनवरी में भव्य श्री राम मंदिर का शुभारंभ हुआ तो उस समय हम भी थे, मनोज तिवारी भी जिंदा थे, यहां उपस्थित सभी लोग थे, और हम लोग तो खैर रिनाउंड लोग हैं, कहीं ना कहीं गजट में हैं, लेकिन जो व्यक्ति एक सामान्य रूप से जो गांव में खेती करता है वो भी कहेगा कि हमारे एक लोहे से, हमारे एक ईंट से, हमारे एक आगमन से भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना था और हम लोग देखो 22 जनवरी को उसका शुभारंभ हो रहा है। मुझे आश्चर्य इस बात की हो रही है कि कल मैं देख रहा था कुछ लोगों का बयान, विपक्ष के लोगों का, कि क्या ये एक व्यक्ति विशेष उसका उद्घाटन करेंगे। मैं समझ में नहीं आ रहा है, मैं सलमान खुर्शीद जी को सुन रहा था, मैं अखिलेश जी को सुन रहा था, मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि पूरे देश के द्वारा लोकतांत्रिक रूप से चुना गया 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में शुमार नरेंद्र मोदी जी, क्या अभी एकमात्र व्यक्ति विशेष है? तो जिन लोगों ने मंदिर रोकने की कोशिश की, अब वो इसलिए परेशान है कि मोदी जी को उसका क्रेडिट क्यों मिल रहा है। क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी ने ही पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को दे दिया। मनोज जी, आप यहां से चुनाव भी लड़ चुके हैं, तब भी और अब में कितना गोरखपुर में बदलाव देख रहे हैं? बदलाव तो बहुत है, बदलाव बहुत है। और देखिए, मैं तो राजनीति में हूं भी तो गोरखपुर के कारण, भले एक्सीडेंटल आए थे हम, लेकिन इसी धरती ने बताया नहीं सीरियसली आओ, फिर उसके बाद हम जैसे आए हैं तो हमारे लिए पहले दूसरा घर था गोरखपुर, अब हमारे लिए गुरु है, गुरु गोरखनाथ की धरती का ये गोरखपुर। हमें याद है हम गांव में जाते थे, महिलाएं आती थी बोझा उठाते समय, भानु भाई बोलत एक वोट मांगा तो वोट मांगी से लोग समस्या बतावत रहे। आज उन समस्याओं का निदान मोस्टली हो गया है और बहुत कुछ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद।